नमस्कार, आप सबको एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रिय चैनल ESM इन्फो क्लब। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि स्पर्श अब एक ऐसा सिस्टम है जो कि एक वेटरन्स एक डिफेंस पेंशनर्स का लाइफ का इंटीग्रेटेड पार्ट है। यानी कि स्पर्श और आपका पेंशन ये दोनों सिनोनिमस हो गया। आपका जो भी पेंशनरी बेनिफिट्स है सब कुछ आपको स्पर्श का थ्रू ही मिलेगा। कोई प्रॉब्लम हुआ तो भी सोल्यूशन आपको स्पर्श का थ्रू ही करना है। यानी कि आपको एक ग्रीवेंस अगर लॉज करना है तभी आपको स्पर्श का ही इस्तेमाल करना है। सिर्फ आपका ही नहीं, आपके बाद आपका नेक्स्ट ऑफ किन जब पेंशन लेंगे उनको भी स्पर्श का ही इस्तेमाल करना होगा। सो फ्रेंड्स, स्पर्श आप कैसे यूज़ करेंगे? देखिए, आप सब जानते हैं कि स्पर्श का ये वेब एड्रेस है। इस एड्रेस में जा करके आप वेबसाइट में जाके spurs.defensepension.gov.in यहाँ पे जब आप एंटर करते हैं तो आप स्पर्श का वेबसाइट में आप रिडायरेक्ट होते हैं और यहाँ पे अपना प्रोफाइल यानी कि यूज़र आईडी पासवर्ड आपका जो क्रेडेंशियल आपको मिला है वो इनपुट करके फिर आपका प्रोफाइल खुल जाता है। पर ये प्रोफाइल जब खुल जाता है इसके बाद आपको क्या करना है? स्पर्श का जो आपका डेली लाइफ में क्या इस्तेमाल है? देखिए, पेंशन तो आपको मिल ही रहा है। हर महीना का लास्ट डे ऑफ द मंथ आपका बैंक अकाउंट में पेंशन क्रेडिट हो जाता है और ये पेंशन अब डायरेक्ट PCD आपका बैंक अकाउंट में क्रेडिट करता है। पहले क्या था, बैंक का जो CPPC है वो आपका अकाउंट में क्रेडिट करता था ऑन द बेसिस ऑफ PPO इशूड बाय PCDA पेंशन। पर अब क्या है कि अब डायरेक्टली PCDA पेंशन आपका बैंक खाते में पैसा डालता है, हर महीना आपका पेंशन इशू होता है। पर सिर्फ यही अगर रोल होता तो स्पर्श का ज़रूरत ही क्या था? सिर्फ यही रोल नहीं है। देखिए, स्पर्श में बहुत सारे एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं जो कि आप यहाँ पर लिस्टेड एक्टिविटीज़ आप देख सकते हैं। जैसे कि एक तो स्पर्श में आप अपना पर्सनल डाटा अपडेट कर सकते हैं, आपका फैमिली डिटेल्स आप अपडेट कर सकते हैं, आपका इनकम टैक्स प्लानिंग अपडेट कर सकते हैं, आपका रीएम्प्लॉयमेंट स्टेटस आप अपडेट कर सकते हैं, आपका लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श में ही डायरेक्ट जमा कर सकते हैं। आपको कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एक PC है, एक मोबाइल फ़ोन है तो स्पर्श में आप डायरेक्टली अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। किसी बैंक में जाने का ज़रूरत नहीं है, किसी स्पर्श सर्विस सेंटर में भी जाने का ज़रूरत नहीं है। इसी बात पर मैं आपको बता देता हूँ, अगर स्पर्श का रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो आपका सिटी में ही स्पर्श का सर्विस सेंटर है। इंडिया का लगभग हर एक सिटी में, मेजर सिटीज़ में स्पर्श का सर्विस सेंटर ओपेंड है। बहुत सारे सेंटर्स बनाया गया और इस सेंटर्स का एड्रेस आपको कैसे मिलेगा? देखिए, ये है एक ESM इन्फो क्लब में आर्टिकल हमने पब्लिश किया था कुछ ही दिन पहले। यहाँ पर आपको डिटेल में जितने भी इंडिया में स्पर्श का सर्विस सेंटर है सभी का लिस्ट है। और आप इतना लिस्ट कैसे ढूंढेंगे? कहीं 1000-3000 से ज़्यादा है तो ये ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए केवल आप अपना पिन नंबर यहाँ पे डालिए। एक बार अगर पिन नंबर डाल के आप सर्च करेंगे तो उस पिन नंबर का आसपास जो भी सर्विस सेंटर्स है आपको यहाँ पे आ जाएगा, तो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से स्पर्श का सर्विस सेंटर्स का हेल्प आप ले सकते हैं। अगर आप हेल्प नहीं लेना चाहते तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। पर देखिए, कुछ गलतफहमी है कि स्पर्श में आपका होम एड्रेस चेंज हो जाएगा, स्पर्श में आपका फैमिली का जो डिटेल्स है, मेजर डिटेल्स है, नाम चेंज हो गया, नॉमिनी चेंजेस हो गया, डेट ऑफ बर्थ चेंजेस है, ये सब ऑप्शन तो इसमें है पर इसमें डायरेक्ट नहीं होगा। ये चीज़ें आपको क्लियर करता हूँ कि ये चीज़ें डायरेक्ट स्पर्श में नहीं होगा। इसके लिए पहले आपको एनी पार्टी ऑर्डर नॉन इफेक्टिव रिकॉर्ड्स सभी का होता है, एपोस का भी है, नेवल का भी है, इंडियन आर्मी का भी है, ये एनी रिकॉर्ड में पहले अमेंडमेंट करना है। कैसे कराएंगे? इसके लिए आपको जिला सैनिक बोर्ड को अप्रोच करना है, वहाँ से फॉर्म लेना है और जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, जो भी आपको एविडेविट्स है, डिक्लरेशंस है, सब चीज़ जब आप सबमिट करेंगे वो डॉक्यूमेंट आपका जिला सैनिक बोर्ड रिकॉर्ड ऑफिस के पास भेजेगा। फिर वहाँ से पार्ट ऑर्डर होकर आएगा, तब जाके आप अगर स्पर्श का थ्रू करेंगे तो आपका स्पर्श का डाटा अपडेट होगा। अदरवाइज़ आपका जो स्पर्श में आपने जो भी एक्शन अब तक किया वो एक्शन आपका फाइनलाइज नहीं होगा, पेंडिंग शो करेगा। ऐसे मैं बहुत सारे कमेंट्स देखा मेरा वीडियोस में कि सर, मैं एक साल पहले स्पर्श में ये डाटा अपडेट किया था, अभी तक हुआ नहीं। इसका रीज़न यही है कि आपका एनी पार्ट ऑर्डर नहीं हुआ। तो एनी पार्ट ऑर्डर थ्रू जिला सैनिक बोर्ड, यू हैव टू अप्रोच योर जिला सैनिक बोर्ड एंड देयर आफ्टर योर रिकॉर्ड ऑफिस विल पब्लिश द DO2 ऑर्डर एंड देयर आफ्टर योर स्पर्श डाटा विल बी अमेंडेड और अपडेटेड
एज द केस में भी। तो ये था इंफॉर्मेशन स्पर्स का रिलेटेड। इस तरह का स्पर्स का कोई भी क्वेरीज अगर आपके पास है तो वो क्वेरीज आप इस वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है इसमें आप डाल सकते हैं। और हमारा जो वेबसाइट है आप जानते हैं esminfoclub.com और 4gnews.com, यहाँ पे भी हमने आपके लिए एक्सेस रखा है। और हमारा ईमेल आईडी भी है esminfoclub@gmail.com, यहाँ पे भी आप मेल कर सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, हर जगह में जहाँ पे भी हर एक सोशल साइट्स में, सोशल मीडिया में हम एक्टिव हैं, कहीं पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और आपका कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ पे आप डाल सकते हैं। हमारा जो टीम है कोशिश करते हैं कि आपका सभी सवालों का जवाब देने के लिए। इसी उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे अगले हफ्ते में ऐसे ही कई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।